हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के अंदर अगर हम अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहली कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है जिसे हमें सीखना चाहिए। अब कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि हमने एक कोडिंग की लैंग्वेज सीख ली तो अब हमारी प्लेसमेंट की भी तैयारी हो जाएगी, इंटर्नशिप की भी तैयारी हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे, हम वेबसाइट्स भी बना पाएंगे, ऐप्स भी बना पाएंगे, गेम्स भी बना पाएंगे, मशीन लर्निंग भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये अलग अलग डोमेन्स हैं टेक के अंदर और इन अलग अलग डोमेन्स के हिसाब से हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है। दूसरी चीज जो सारे बिगिनर्स को पता होनी चाहिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अपना एक करियर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे अपनी पूरी लाइफ के अंदर। हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती है टेक के अंदर, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी इंटर्नशिप लेने के लिए। तो उसमें ओवर द टाइम हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने वाले हैं। पर हाँ, अगर शुरुआत में ही एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम एक अच्छी सॉलिड पकड़ बना लेते हैं तो हमारे लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना, उन पर शिफ्ट होना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें फोकस करना है कि जिस भी लैंग्वेज को हम एज अ बिगिनर पिक करें उसके ऊपर हम एक सॉलिड पकड़ बना रहे हो। तो हम गोल ओरिएंटेड तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिसाइड करेंगे। यानी हमारे पास हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, हमें मशीन लर्निंग की तैयारी करनी है, हमें डेटा साइंस के अंदर जाना है, या हमें वेबसाइट्स बनानी है, या हमें ऐप्स बनाना है। हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से हम बात करेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहला गोल जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है, जो जनरली बीटेक से आ रहे होते हैं, बीसीए बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, उनका होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मुझे एक अच्छा करियर बनाना है। और जनरली हमारा ड्रीम होता है कि हमें गूगल के अंदर, अमेजॉन के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर, फेसबुक जैसी कंपनीज के अंदर अपनी एक अच्छी टेक प्लेसमेंट या टेक इंटर्नशिप जाकर लेनी है। तो जनरली मेजॉरिटी जो हमारी टेक कंपनीज होती हैं, मैक्सिमम टेक कंपनीज हमसे हमारे इंटरव्यूज के अंदर और कोडिंग टेस्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स यानी डीएसए नाम की चीज पूछते हैं। अब डीएसए क्या होता है उसके हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली कोडिंग के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। अब डीएसए के बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो। पर ये डीएसए पढ़ने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं लैंग्वेजेस के लिए। यानी इंडियन प्लेसमेंट्स में जब हमें डीएसए की तैयारी करनी होती है तो हमारे पास तीन टॉप ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम जावा सीख सकते हैं, या हम C++ सीख सकते हैं, या हम पाइथन सीख सकते हैं। अब पर्सनली मैं आपको पाइथन एडवाइस नहीं करूंगी डीएसए के लिए, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहला पाइथन इज स्लो एज कंपेयर टू जावा एंड C++। एंड दूसरा पॉइंट, पाइथन के अंदर हमें रिसोर्सेज उतने अच्छे डीएसए के नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है और हमें पता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट की तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमें डीएसए सीखना पड़ेगा। और उसके लिए दो बेस्ट लैंग्वेजेस हैं, एक है जावा एंड दूसरी है हमारे पास C++। आप दोनों में से किसी को भी जाकर सीख सकते हैं, दोनों इक्वली गुड लैंग्वेजेस रहती हैं। कई सारे कॉलेजेस के अंदर जो हमारा करिकुलम स्टार्ट होता है वो जावा से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको जावा सीखनी है तो उसकी आपको अपना कॉलेज के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और कई सारे कॉलेजेस के अंदर कोडिंग की शुरुआत C++ से होती है, तो उसका भी हमने वन शॉट बनाया हुआ है, उसको जाकर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी प्लेसमेंट इंटर्नशिप के हिसाब से डीएसए की बात। पर ये याद रखना है इन लैंग्वेजेस के अंदर हम डीएसए के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। इन लैंग्वेजेस के अंदर जनरली एज अ फ्रेशर हम अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमें फिर दूसरी फील्ड्स के अंदर जाना पड़ता है, नई लैंग्वेजेस को हमें बाद में सीखना पड़ेगा। सेकेंड गोल जो काफी सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है वो है कि हमें वेबसाइट्स बनाना सीखना है, यानी हमें वेब डेवलपमेंट को सीखना है। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मेरी आपको पर्सनल एडवाइस रहेगी दैट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट टेक इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। बट जावास्क्रिप्ट को सीखने से पहले कई सारे स्टूडेंट्स HTML एंड CSS को भी सीखना प्रेफर करते हैं, ऑल्दो ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी में नहीं आते। पर HTML CSS भी अगर आपको सीखना है तो उसके भी आपको वन शॉट मिल जाएंगे अपना कॉलेज के ऊपर। एंड इफ यू वांट टू स्टडी जावास्क्रिप्ट तो उसका भी वन शॉट हमने डाला हुआ है, आप इस ट्यूटोरियल को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा गोल जो हमारे दिमाग में हो सकता है वो ये हो सकता है कि मुझे तो मशीन लर्निंग सीखनी है, मुझे तो AI सीखनी है, या मुझे डेटा साइंस की डायरेक्शन में जाना है, या मुझे डेटा एनालिस्ट की डायरेक्शन में जाना है। अगर इनमें से कोई भी हमारा गोल है तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। पर बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस सारी स्ट्रीम्स के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पाइथन के साथ शुरुआत करिए, क्योंकि पाइथन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल होती है टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग। तो पाइथन के अगर हमें बेसिक्स सीखने हैं तो उसके बेसिक्स के लिए भी एक वन शॉट अपना कॉलेज के ऊपर हमने बनाया हुआ है, उसको जाकर हम एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ गोल जो हमारे दिमाग में हो सकता है वो है कि मुझे एप्स बनाना सीखना है। अब एप्स बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो है कि हम एंड्रॉइड के लिए एप्स बना सकते हैं, दूसरा है कि हम iOS के लिए एप्स बना सकते हैं। जनरली जॉब मार्केट को अगर हम देखें तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के जॉब ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू iOS डेवलपमेंट, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद जो मैं आपको एडवाइस करूंगी वो होगी जावा, एंड उसके बाद टाइम के साथ हम अपना कॉटलन भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट विद जावा। अगर हम iOS डेवलपमेंट के लिए ऐप्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि हम स्विफ्ट लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करें। एक और ऑप्शन भी होता है ऐप डेवलपमेंट के अंदर कि हम iOS एंड्रॉइड एक ही बार कोड लिखें और दोनों डिवाइसेस के अंदर हमारी ऐप चलने लग जाए, उन्हें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स कहते हैं। तो अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स की डायरेक्शन में जाना है तो उसमें मैं आपको एडवाइस करूंगी दैट यू शुड स्टार्ट विद रिएक्ट नेटिव। अब रिएक्ट नेटिव एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, रिएक्ट नेटिव हमारा एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले JavaScript सीखनी पड़ेगी एंड उसके बाद हम React Native को as a framework जाकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट गोल जो स्टूडेंट्स का होता है वो होता है हमारे पास गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलपमेंट के लिए जनरली दो लैंग्वेजेस काफ़ी पॉपुलर हैं, एक है C++, एक है C#। अब क्योंकि C++ काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ाया होता है और उसके रिसोर्सेज आपको जनरली ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट इन गेम डेवलपमेंट विद C++। तो उसके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब जॉब मार्केट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जॉब्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में अवेलेबल हैं, तो हम उस हिसाब से भी अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें किस तरीके के जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब जब भी हम कोडिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि जितनी कोडिंग लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की सिर्फ इतनी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे गोलैंग हो गई, C# हो गई, डार्ट हो गई, बट जनरली ये जो सारी लैंग्वेजेस होती हैं काफ़ी स्पेसिफिक यूज केस के लिए होती हैं। मतलब जनरली इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, बहुत स्पेसिफिक और कंपनी वाइज ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर इनको हम सीखना चाहते हैं तो इनको हम जब एक बार वर्किंग प्रोफेशनल बन जाएंगे तब जाकर इनके ऊपर हम शिफ्ट हो सकते हैं, या अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, डोमेन के हिसाब से इनको हम सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर हमने एज अ बिगिनर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरुआत की है उसके ऊपर अगर हमने एक अच्छी पकड़ बना ली तो उसके बाद इन लैंग्वेजेस पर शिफ्ट होना, इन लैंग्वेजेस को सीखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जनरली मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं लॉजिक वाइज वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। यानी एक तरीके से जैसे एक लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है, हो सकता है कोड लिखने का तरीका बदल जाए बट वो लॉजिक सारी लैंग्वेजेस के अंदर यूजुअली सेम रहता है। अब लास्ट में अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए और हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पिक करनी चाहिए, तो आज के करंट जॉब मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देती हूँ। अगर हम बीटेक या BCA के स्टूडेंट हैं और हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मेरी बेट रहेगी कि हमें सीखना चाहिए सबसे पहले जाके DSA को, जिसको सीखने में हमें करीबन 4 से 5 महीने लगेंगे अगर हम डेडिकेटेडली अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए जावा या C++ दोनों में से हम कोई भी पिक कर सकते हैं एंड उसके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जब हमें करीबन 4 से 5 महीने हो जाएंगे तो फिर हम अपनी वेब डेवलपमेंट की डायरेक्शन ले सकते हैं, और उसके लिए जो सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी वो जावास्क्रिप्ट होगी। तो इससे हमारा DSA भी कवर हो जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट्स भी बन जाएंगे जो रेज्यूमे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो दोनों ही डायरेक्शंस में हम एक तरीके से चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे और हमारे बेस्ट चांसेस होंगे एक अच्छी इंटर्नशिप या एक अच्छी प्लेसमेंट स्कोर करने के। सेकेंड केस उन स्टूडेंट्स का आता है जो फोर्थ ईयर के अंदर हैं बीटेक के, या थर्ड ईयर के अंदर हैं BCA के, या फिर किसी और डिग्री में है पर हमें जॉब टेक की फील्ड में, IT की फील्ड में लेनी है। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस करूंगी दैट यू शुड स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल स्किल। ऑल्सो हमारे पास टाइम कम है तो हमें वेब डेवलपमेंट को सीख के अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाने चाहिए और अपने प्रैक्टिकल स्किल के बेसिस पर एक जॉब ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी दैट वी शुड स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट एंड स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो हमारे लिए होगा वो ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए हम जावा को सीख सकते हैं। पर पर्सनली मैंने आपको वेब डेवलपमेंट इसलिए एडवाइस किया है क्योंकि जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज जनरली स्टूडेंट्स को सीखने में थोड़ी सी आसान लगती है एज कंपेयर टू जावा फॉर ऐप डेवलपमेंट। और थर्ड केस आता है उन स्टूडेंट्स का जिनको एज सच टेक के अंदर करियर नहीं बनाना, पर हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोडिंग को सीखना है या हमें जानना है कि कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है, तो हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, दे कैन स्टार्ट बाय लर्निंग पाइथन, क्योंकि पाइथन एज अ बिगिनर वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेज है जिसके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो हमें इंग्लिश जैसी लगेगी, बहुत सिंपल सा उसका सिंटैक्स होता है। तो इसीलिए एज अ बिगिनर अगर हम प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी नहीं करना चाहते, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहते हैं, तो हम पाइथन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप कि जिन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है ये आपको आपके करियर के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। ऑल्सो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कंफ्यूज नहीं रहना। फाइनली अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो, एक कॉल ले लेते हो और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देते हो, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सीखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टेक। जितना ज़्यादा हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर टाइम इनपुट करेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ें सीखने के ऊपर टाइम इनपुट करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकली बैठकर कोडिंग कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा हमारा टेक करियर अच्छा हो रहा होगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना ये डिसाइड करने में कि ये सीखें या वो सीखें या ये सीखें। आप टाइम के साथ सारी चीजें सीख सकते हो, बस जल्दी से जल्दी शुरुआत करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर टेक जर्नी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।